जैसे सोने भी नहीं देती है। अबे सली हट। अबे विस्तुपाड़े। अबे कुपकरण जैसे सोबे के खातिर भी ना रावण जैसे भाई चाहिए भाई। अबे तुम और तुम्हारे जो भाई लोग हैं अबे खर दूसन बने के लायक भी नहीं है। अबे ऐसा नाक कटाए नहीं लो कि पूरा कन्नौज ना बे गंधा थे। तुम साले विस्तुपाड़े या अबे नाक में आराम से बचाए कि ना मस्ती में सोबत। चुप कर साली इल्जाम की किताब। ये तुम्हारे तीनों के जुर्म की सजा ना हम तीनों भाई काट रहे हैं। तुम तीनों ने हमारे दिमाग में गंदगी की अदालत लगा दी है। सही कह रहे विष्णु। नहीं नहीं विष्णु अपनी बात में थोड़ा सा सुधार कर लो। तीन नहीं दो दो। आप देखो बिल्लू रानी को दोष नहीं दे सकते। हाँ है ना बिल्लू रानी। देखिए बंटू भाई साहब अब चाहे जो कहे लेकिन हम इस गलती के लिए इन तीनों औरतों को ही जिम्मेदार मानेंगे। और इन तीनों ने ही गुड्डू रुंझुन को अलग करने के घातक सबूत जहर की तरह डाल दिए हमारे दिमाग में। हाँ है विष्णु। अरे मान गए कि काटे बाटे वाली बात हम तीनों सिखा रहे लेकिन दारू पी के रुंझुन गुड्डू के घर में आग लगावे के खातिर हम ही लोग कह रहे। नहीं ना वो तो तुम तीनों अपने मन से किए रहे ना। अरे इस सारा कांड जो है ना सारा असर उकरे है आग लगावे का। अरे सही कह रही है मिठ्ठू जीजी। राय मिठ्ठू भाभी अब देखो हम तो है मछली हमें तो दोनों तरफ देखना पड़ता है और बीच में तराजू की तरह बिल्लू रानी का कांटा लगा रहता है। हम गए तो थे साथ साथ लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लीडर तो ये लोग थे। मिठ्ठू भाभी आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के ना हम पे इल्जाम मत लगाइए। अबे साले बिस्मू पाड़े चश्मुद्दीन अबे मिठ्ठू जीजी को क्या बोला था बे। आज हम तुमका हमेशा के लिए आंसर बनाए दिए। अबे मुंह चला सकत हो बाकी अपन हाथ पांव नहीं चला सकत हो। अबे चलो चल के काम करो काम करियो बिस्मू पाड़े से दुचारी घट नहीं गई हो। हां अबे साली हम तेरे कहने पे साला कचरा ढोएंगे कचरा ढोएंगे। अबे साली हम वकील हैं वकील और वकील ही रहेंगे। मुंशी गिरी करना भी हमारी इज्जत के खिलाफ है समझ गई तो? अबे तो का हराम का खाइयो बे। अबे तुमने जैसा लोगों का बे हाथ पाँव काट के ना भिकमंगा बना देगा चाही ना भीख भी ना ही मांग पाओ हाथ से। सली ज्यादा ही प्रवचन दे रही है। सली इज्जत के खिलाफ काम करना ना हमारी शान के खिलाफ है और हम अदालत में भी नहीं जा पाएंगे समझी तू? बकवास कर रही है सलक तोड़ के। अरे बिस्मू पांडे अदालत में भी नहीं पाएंगे। बहुत भैया बहुत चला था तुम्हारा कटेली जवान आरी की तरह। अरे वैसे हम और कजन वाली समझावे थे तो तुमका बहुत बुरा लागत है। सात बात सुने से बहुत बहुत इंसान को कड़वा लागत है कड़वा। एक बात सुन लो भैया काम तो तुम लोगों को करे का पड़ेगा चाहे तुम रोए का करो चाहे गाना गा के करो समझे। मामला बहुत गर्मा रहा है तुम कहीं मत जाओ तुम ये रहो। अबे आज ना बिस्तर पर के खून करे मिठा दीजिए। अबे इस धर्मशाला में पोछा लगाइए हटो। साला तू क्या हमारा खून करे। अच्छा भला भला बस कीजिए। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग को मिलजुल के अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए अपनी परेशानियों को सुलझाना चाहिए लेकिन नहीं आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप लोग कोई बच्चे नहीं है जो बार बार आप लोग को समझाना पड़े। कब आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे बोलिए। आप लोग से अच्छे तो ये बच्चे बबली और डायमंड कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो समझते हैं। तुम ऐसे रोबत हो ना तो हमारे कलेजा फाटत। अरे हम सबे का का है हम सबे तो ऐसे हैं। जिंदगी भर तुम तो देखा दावत हो ना का करे। मामी हम किसके लिए आए हैं यहाँ पर बोले? आप लोगों की वजह से बबली और डायमंड के लिए आए हैं यहाँ पर गुड्डू जी की मर्जी के खिलाफ। अगर आप लोग ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर कुछ कैसे ठीक होगा? तो देखो रुंझुन अब तुम रो नहीं। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है
अब कभी भी ना कोई गाली गलौच नहीं करेंगे। और वैसे भी ना रुंझुन, हम और हमारे बंटू जी गाली गलौच नहीं कर रहे थे। अरे हम दोनों तो कोने में दुबक गए थे। तो हाँ, सही कह रही बिल्लो रानी। और अब हम आगे से कोई ना कोई काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना बिल्लो रानी? तो मम्मी पापा, सबसे ज्यादा शोर तो आप ही लोग कर रहे थे ना, फिर भी आप लोगों को सॉरी कहने में तकलीफ हो रही है। रुंझू, अबे माफ कर दो हमका, अब हम ना ही चिल्लाइए। और ना ही ना, ये बीस तो पाड़े को हम चिल्लाए दिए। हाँ अबे चुप साली कल्सन वाली। अबे चुप कर तू। अरे रुंझुन बेटा, देखो तुम हमारे लिए ना जज की तरह हो, और हम तुमसे सॉरी बोलते हैं। हाँ ठीक है, फिर तो आप लोग हमको वचन दीजिए कि आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और हाँ, एक और बात, आप लोग काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब वचन देते हैं। हाँ, वचन देते हैं। ठीक है, आप सब लोग चलिए खाना खा लीजिए, हम खाना लेकर के आए, ठंडा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। मामी, डायमंड और बबली की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है पहले ही। कल से डायमंड कॉलेज जाएगा और बबली स्कूल जाएगी। लेकिन तुम इतना सारा पैसा का इंतजाम कहाँ से करी हो? के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रुंझुन दीदी ने इंतजाम कर दिया है। हा? अरे आप लोगों को पता है कि उन्होंने अपने सोने का कंगन बेच दिया। डायमंड? नहीं दीदी, इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप कितनी परेशानियां उठा रही हैं हम लोगों के लिए, कितना त्याग कर रही हैं आप हम लोगों के लिए। वरना जो कुछ इन लोगों ने आपके साथ किया है, उसके बाद तो इन लोगों का चेहरा भी कोई नहीं देखना चाहेगा। लॉटरी? डायमंड, हम कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए सब लोग करते हैं, और बड़े होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तुम लोग की पढ़ाई का ख्याल रखें। हम बस वही कर रहे हैं, कोई त्याग नहीं कर रहे। विष्णु पांडे, अब आई तुम्हारे हाथ में तिजोरी की चाबी। अब भागों वाली के भाग से लॉटरी तो खुलेगी ही खुलेगी। आए गए बेटा। देवी जल्दी से खाना लगाओ, गुड्डू बेटा आ गया। आओ हाथ धो लो। आप अकेले? कुकन जी नहीं आए? हाँ, वो दुकान में कुछ काम है, काम कर।
गुड्डू बेटा, वो का है कि हम नहीं, मतलब हमरी बात का बुरा मत मानना। हम जानत है कि तुम जौन करत हो, जौन सोचत हो, एकदम में सही है। लेकिन आज वो रुंझुन का क्या बकवास खाना पड़ा, इतना नमक डाल दिया। हम इसको खाना बनाने सिखाओ तुम। अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हम भूखे रह लेंगे। अम्मा, हमने तो सही मात्रा में सब कुछ डाला था। हाँ बिटिया, तुम तो खाना एकदम सही बनाई हो। जानत हो ना कि बात कुछ और ही है। क्या खाना खाए हम? गुड्डू जी ने भी तो नहीं खाया होगा, नाराज है हमसे। लेकिन आखिर हम करें क्या? डायमंड, बबली, मामा मामी को ऐसे मुश्किल हालात से गुजरते देख के भी अगर हम उनकी मदद ना करते तो क्या ये ठीक होता? आज कम से कम यहाँ किसी को ये फिक्र तो नहीं है कि खाना मिलेगा कि नहीं। गुड्डू जी, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, हम मानते हैं अब रात की सजा तो मिलनी चाहिए। तो मिल गई ना उन लोगों को सजा? वो लोग आज शर्मिंदा हैं, पछता रहे हैं अपने किए पर। गुड्डू जी, आप गुस्सा हैं हमको पता है, लेकिन समय के अलावा किसी के पास इस समस्या का हल नहीं है, हमारे पास भी नहीं, हम मजबूर हैं। रंजन दीदी, गुड्डू जीजू से अलग रहकर आप अपने आप को सजा दे रही हैं। एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, और अगर हमसे कहोगे तो हम बिल्लू रानी की सलाह लेना चाहेंगे। ऐसा है बंटू भाई साहब, इस दुनिया में वही आदमी सही होता है जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। आप ये सोचना छोड़िए ना, जो कुछ भी है ना आज यहाँ दांव पे लगा देते हैं। हाँ, रुंझुन का भाग हमारे साथ में, अरे हारने का सवाल ही नहीं, सिर्फ जीत ही जीत है। अरे जब से रुंझुन गई है ऐसा लागत है कि तुम हो घर में नहीं हो। क्या तुम्हारी नातिन को फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हम सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? अमरी भागो वाली, भागो वाली। दस का सौ बेगम पे। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली चाल कितने की लगा सकते हैं? 10 का। विष्णु, बिल्लू रानी की कसम, हम 10 रुपए से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सावधानी हटेगी नहीं तो दुर्घटना घटेगी नहीं, है ना? और अगर घटेगी भी तो हमारी साड़ी की एक एक तह की तरह घटेगा। बंटू भाई साहब,
अब आप आए ना सही लाइन पे। जल्दी करो यार, फटाफट पैसा डालो, क्या कर रहे हो? हाँ लगा रहे, रुकिए रुकिए, हमें भी लगाने हैं ना। किस पे लगाए? इस पे। हाँ ये 10 रानी पे। हमारे भी 10 इसी रानी पे। हे रुंझुन देवी, देवियों की देवी, धन की देवी, भागो वाली रुंझुन, तुम्हारी जय हो, जय हो। देखा, रुंझुन का भाग हमारे साथ में। वाह विष्णु, 100-100 के 2-2 हरे हरे नोट। कंगाली की कैद से रिहाई का ऑर्डर ये आ गया है। अब बुरे दिन गए, सिर्फ नोट गिनने के दिन शुरू हो गए। चलिए चलिए वापस दाव लगाते हैं। बेगम पे 10 रुपए, हमारा भी रानी पे। गुड्डू बेटा, हमरी बात सुन लो, गलत लागे तो गुस्साइयो। देखो बेटा, अपन आपको ऐसी सजा देकर का फायदा? किसने कहा अपने आपको सजा दे रहे हैं? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। तुम हो जानत हो और हम हो जानत है, और हम जानत है कि रुंझुन मत मार प्राण वसत है, ओके बिना तुमरा मन नहीं लागत। तुमको का लगत है कि हम ये बात नहीं समझत है? हा? नफरत का नाटक करे से प्रेम कम नहीं हो जात है। अरे हम प्यार नहीं करते उससे, नहीं करते प्यार। रुंझुन मत मार प्राण वसत है, ओके बिना तुमरा मन नहीं लागत। तुमको का लगत है कि हम ये बात नहीं समझत है? ऐसा कुछ नहीं अम्मा। कैसे कुछ नहीं है? अरे जब से रुंझुन गई है ऐसा लागत है कि तुम हो घर में नहीं हो। अरे जितना तुम तड़पत हो ना बेटुआ, वो कुछ से कहीं ज्यादा वो तड़पत है। जब से वो गई है ये घर, ये कमरा सब खाली खाली लागत है। क्या बेकार की बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो बेटुआ, हम जानत है कि रुंझुन बहुत ही गलत की है, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ काम की है, लेकिन ऐसा रूठ के रहने से कोनो फायदा नहीं है। ऐसा अम्मा, रूठना उठना क्या पहाड़ में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारी नातिन को फर्क नहीं पड़ता तो हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हमारी कोई परवाह नहीं तो हमको भी कोई परवाह नहीं है। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हम उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा देंगे। तुमको यकीन नहीं है तो हम तुमको दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे ए गुड्डू बेटा, अब तो समझ में आ गया हो ना तुमको, जब रुंझुन की कोई हिम्मत नहीं हमारी जिंदगी में, सब खत्म हो गया। गुड्डू बेटा, ये जो तुम परेशान हो, गुस्सा दिखात हो ना, यही से पता चलत है कि तुम रुंझुन के बिना एक पल नहीं रह सकत हो। ओकरा सामान फेंक दे से वो तुम्हारे दिल से दूर नहीं हो जाइए। रोटी का एक निवाला मुंह में नहीं जात है, और तुम इल्जाम खाने पे लगात हो। ये प्रेम नहीं तो और का है? नफरत का नाटक करे से प्रेम कम नहीं हो जाते। अरे अम्मा प्यार नहीं करते उससे, नहीं करते प्यार।